अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आप सबको मेरे चैनल पर वेलकम। आज हम जिस प्लांट के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है क्रोटन। क्रोटन प्लांट, इसे क्रोटन भी कहते हैं, क्रोटोन भी कहते हैं, काफ़ी कुछ कहते हैं, लेकिन जहाँ से हमने लिया उसको वहाँ पे क्रोटोन कह रहे थे, इसलिए मैं भी इसे क्रोटोन कहूँगा। कि ओके, तो हम शुरू करते हैं। क्रोटन प्लांट जो है ये एक इंडोर प्लांट है, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी, इसकी जो स्पेशल बात है, स्पेशलिटी ये है, इसके पत्तों के ऊपर ऐसे येलो येलो डॉट्स होते हैं, आप देख सकते हैं, जो कि जब पत्ता पुराना हो जाता है वो इस तरह का लगता है। नया पत्ता यूँ होता है, आप देख रहे हैं, और ये पुराने पत्ते यूँ, ये तकरीबन 6 मंथ्स पुराना ये लीव हो गया है, क्योंकि 6 महीने आई थिंक इसे हो गए होंगे मेरे पास आए हुए। सर्दियों से पहले मैं सर्दियों से नहीं, गर्मियों में हम इसे कह सकते हैं 6 सितंबर को ही आया था, 6 मंथ से उससे कम हो गए हैं, तो ये 6 सितंबर से इतना टाइम अब तक आज तक बनता है, उतना ये लीव एक पुराना है। ओके, और ये नए लीव जब बाहर की ओर ऐसा आना शुरू हुए हैं, यहाँ से मैंने इसको सर्दियों में प्रून कर दिया था इस प्लांट को। ये बेसिकली 3 प्लांट्स हैं, इस वाले प्लांट को, ये जो स्टेम आप देख रहे हैं, इसको मैंने यहाँ से प्रून कर दिया था, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब वहाँ पे निशान नहीं है, ये मैंने यहाँ से प्रून कर दिया था। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी ब्रांचेस बाहर आने को निकल गई। ये इंडोर प्लांट है, इसको आप सन में रखें तो इसके जो कलर है लीव का वो काफ़ी ब्राइट हो जाता है, जैसे अभी सर्दियों में सूरज में पड़ा हुआ था, तो इसके आप देख सकते हैं पत्तों का कलर कितना ब्राइट है। शेड में रखे तो भी अच्छा है, लेकिन कोई भी प्लांट परमानेंटली शेड में नहीं होता। उस ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने कोई प्लांट इंडोर रहेगा, उसके बाद लैगी होना शुरू हो जाएगा, उसके प्लांट्स पत्ते गिर जाएंगे और पत्ते नहीं आएंगे, और फिर वो आखिर में मर जाएगा, तो इसलिए ये आपने ध्यान रखना है। तो ये छोटे से पॉट में लगा हुआ काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, आप देख सकते हैं। इसकी रूट बाउंडिंग जो है वो होती है, लेकिन जल्दी नहीं, इसकी जड़ें होती हैं वो छोटी छोटी पतली पतली सी फीडर रूट्स होती हैं, इसकी टैब रूट्स नहीं होती, तो इसकी रूट बाउंडिंग इतनी जल्दी नहीं होती। और इसकी मिट्टी को आप पानी ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा जब 1 या 2 इंच मिट्टी ड्राई हो जाए तो आप पानी दें। मेरा उससे ज़्यादा ड्राई है, आप देख सकते हैं कितना ड्राई है, इधर आकर थोड़ा मॉइस्चर है। और इसको मैंने सूखे हुए एक्सेल डाले हैं, अभी मेरे पास एक काउ डंग पड़ी हुई है, इसको मैंने अभी डिकम्पोज करना है, उसकी वीडियो जल्दी आएगी, आप देख सकते हैं। इसको मैं ये भी दूंगा, तो आप देख सकते हैं। इस प्लांट की केयर कुछ स्पेशल नहीं है, बस इसको आप थोड़े हफ्ते में 1-2 बार सूरज दे दीजिए, सनलाइट, उसके अलावा आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, और इसको पानी आपने अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा यही कि जब 1 to 2 इंच सॉइल ड्राई हो जाए तो आप इसको पानी दें। और आप सूखे हुए एक्शन इसे दे सकते हैं, काओ डंग दे सकते हैं, DAP दे सकते हैं, डायमोनियम फॉस्फेट, और NPK भी दे सकते हैं, लिक्विड भी दे सकते हैं इसका, NPK लिक्विड फॉर्म। और इसके अलावा इसकी कोई केयर नहीं है, ये प्लांट काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, और इसको आई थिंक क्रोटॉन येलो पेंटर कहते हैं, येलो ऐसे करके कुछ कहते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा इसका फुल नाम नेम क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्लांट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होगी काउ डंग को हम डिकम्पोज कैसे करें, वो पार्ट्स ही सूरत में आएगी, क्योंकि वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। तो आज ये आप देख सकते हैं इसके पत्ते कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकल रहे हैं, इसको काफ़ी अच्छा प्लांट है ये। और ये सारे इंडोर प्लांट्स की तरह ये भी काफ़ी जहरीला होता है, तो इसे बच्चों से दूर रखा करें। अब मैंने इसको हाथ लगाया, मैं इसको हाथों को धोऊंगा, उसके बाद जो मैंने खाना पीना या मुंह को हाथ लगाना हो तो मैं ऐड करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।